वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है और इसे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ डेफिनेशन। नर्सिंग प्रोसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए यह एक सिस्टमेटिक मेथड है जिससे पेशेंट की नीड को पूरा किया जा सके। क्या होगा इसके अंदर, ये जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये सिस्टमेटिक मेथड में करते हैं और जिससे पेशेंट की नीड को पूरा किया जा सके। नर्सिंग प्रोसेस पेशेंट की रिकवरी के लिए नर्स और पेशेंट एक साथ काम करने का सिस्टमेटिक मेथड है। इसमें क्या होगा, नर्सिंग प्रोसेस पेशेंट की रिकवरी करने के लिए नर्स और पेशेंट का एक साथ में काम करने का सिस्टमेटिक मेथड है। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। इसमें क्या होगा, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसके 5 स्टेप होते हैं। तो देखते हैं इसके 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन नर्सिंग इवोल्यूशन। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट, असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर आते हैं सब्जेक्टिव डाटा प्लस ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या होता है, पेशेंट खुद बताएगा, और ऑब्जेक्टिव के अंदर होता है एक डॉक्टर उसे ऑब्जर्व करेगा। तो डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट वर्बल डिस्क्रिप्शन देता है अपनी हेल्थ के बारे में, पेशेंट खुद बताएगा अपनी हेल्थ के बारे में। ओनली डाटा इन्फॉर्मेशन पेशेंट से लिया जाता है, और इसमें क्या होगा, डाटा लिया जाता है पेशेंट से। इसके अंदर कंसर्न कर लिया जाता है और ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या होगा, कंसर्न किया जाएगा, ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते हैं। सम सिम्टम्स के द्वारा डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट है पेन, वर्टिगो, नोजिया, वोमिटिंग, एंजाइटी और विजुअल डिस्टरबेंस। ये कभी सभी के सभी क्या होते हैं, सिम्टम्स। अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है। इसमें क्या होगा, ऑब्जर्व किया जाएगा डाटा को, हमने डाटा ऑब्जर्व किया और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम है हमारी उसको फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर भी सम साइंस हैं जिसके द्वारा प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम, ये हमें याद रहना चाहिए कि कौन से हमारे साइन होते हैं और कौन से हमारे सिम्टम्स होते हैं। तो भी सिम्टम्स के बारे में आपको बता दिए गए हैं, और ये है हमारे साइन। साइन क्या है, टेम्परेचर, स्किन कलर, हाइपरटेंशन और पल्स रेट, ये हमारे साइन हैं। अब स्टार्ट करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। असेसमेंट क्या था, असेसमेंट था फर्स्ट पार्ट और ये है सेकेंड पार्ट। एनालिसिस के टाइम पर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग असेसमेंट। इसमें क्या होगा, असेसमेंट जब हम एनालिसिस करेंगे तो ड्यूरिंग असेसमेंट हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन या कलेक्ट करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस हेल्थ की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है।
जैसी हमारी हेल्थ होगी उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा। नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग इंटरवेंस का बेस होता है। जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा तो ये क्या है, एक नर्सिंग इंटरवेंशन का बेस है। इसके अंदर टू फैक्टर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक लेवल एंड इटियोलॉजी रिलेटेड टू फैक्टर। इसमें क्या होगा, जब भी हम कोई भी डायग्नोस बनाएंगे तो पहले इटियोलॉजी ली जाएगी, फिर रिलेटेड टू फैक्टर होगा कोई भी, और फिर थर्ड होता है एज एविडेंस बाय। तो एक हम डायग्नोसिस बनाकर देखते हैं अभी कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो किसी पेशेंट को पेन है तो पेन के ऊपर हम बनाते हैं पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन एज एविडेंस बाय एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा पेन है और वो किससे रिलेटेड है, इन्फ्लामेशन, और उसको हम कैसे बता सकते हैं उसके पेशेंट को चेहरे को देखकर। उसके बाद देखते हैं इसी के अंदर के कुछ पॉइंट्स हैं, नर्सिंग डायग्नोस बनाते टाइम पर क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग यूज की जाती है। जब भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते टाइम क्रिटिकल थिंकिंग यूज की जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग यूज की जाएगी एंड रीजनिंग यूज की जाएगी। उसके बाद देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है नर्सिंग प्रोसेस का। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह सेंटर पॉइंट होता है। जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा तो उसके लिए एक सेंटर पॉइंट है। इसके अंदर ऑप्टिमम गोल एंड एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अंदर अधिक से अधिक हम गोल बनाएंगे और ऑप्टिमम एक्शन परफॉर्म करेंगे। यह इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन होता है। इसके अंदर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ऑर्डर की नीड नहीं होती है। यह एक ऑटोनोमस एक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमें ट्रीटमेंट करना होगा वो हम खुद करेंगे। इसके लिए हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं, जैसे डॉक्टर मान सकते हैं या और अदर स्टाफ हो सकता है, तो उसकी हमें नीड नहीं होगी, इसका हम खुद से ट्रीटमेंट करेंगे। डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, इसके अंदर फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऑर्डर की डायरेक्ट नीड होती है। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, इन्वेजिव प्रोसीजर, चेंज ड्रेसिंग, प्रीपर पेशेंट सर्जरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे हेल्थ वर्कर होते हैं उनकी रिटिन में एक स्क्रिप्ट या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए पेशेंट को डील करने के लिए। जब भी कुछ अगर एडमिनिस्टर करते हैं मेडिकेशन, उसका भी एक रिटर्न होना चाहिए ऑर्डर। इन्वेजिव प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर हो सकता है, चेंज ड्रेसिंग, अगर ड्रेसिंग चेंज करनी है उसके लिए भी, और प्रेपर पेशेंट सर्जरी, अगर हम पेशेंट को तैयार करते हैं सर्जरी के लिए, और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी। तो इसका क्या चाहिए, कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या ऑर्डर चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की नीड, इसमें हम देखते हैं क्या कि मैस्लो हायरार्की नीड के बेस पर हम प्लानिंग करते हैं। फिजिकल नीड के अंदर क्या होगा, पेन है, फूड, एयर, वाटर, टेम्परेचर, रेस्ट, एलिमिनेशन। सेकंड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर सेफ्टी होनी चाहिए। लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ इस्टीम नीड, जैसे फील, गोल और कॉन्फिडेंस। इसके अंदर हमारा गोल सेट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद देखते हैं इस्टेब्लिश्ड गोल। शॉर्ट टर्म गोल होगा हमारा, जैसे इमीडिएट नीड फॉर पेशेंट या इमीडिएट नीड ऑफ पेशेंट। लॉन्ग टर्म गोल होगा कंप्लीट रिकवरी ऑफ पेशेंट। इसमें
कंप्लीट रिकवरी होनी चाहिए पेशेंट के लिए। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये होता है एक्शन फेज, इट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये क्या होता है, फोर्थ पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस का। इम्प्लीमेंटेशन का मीन्स होता है कैरी आउट करना या टू परफॉर्म और टू डू समथिंग, कुछ भी करना, मतलब इसके अंदर कैरी आउट करेंगे और टू परफॉर्म करेंगे कुछ भी, और इसके अंदर क्या होगा, कुछ भी करना, मतलब कुछ भी एक्टिविटी होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक्चुअल डिलीवरी प्लान होती है, इसके अंदर क्या होगा, एक्चुअल में जो डिलीवरी प्लान होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करना या रिसॉल्व करना एंड रिजल्ट को अचीव करना, इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमें प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, रिसॉल्व करेंगे और रिजल्ट को अचीव करेंगे। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉग्निटिव, इंटरपर्सनल एंड साइकोमोटर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर क्या होगा, कॉग्निटिव होना चाहिए, कॉग्निटिव इंटरपर्सनल साइकोमोटर एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, टू अचीव ऑप्टिमम हेल्थ आउटकम एंड प्रमोट हेल्थ, हमें जो हमारी हेल्थ है, जो पेशेंट की हेल्थ है उसको ऑप्टिमम अचीव करना है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, और हेल्थ ये आउटकम होना चाहिए, उसको आउटकम क्या निकला है, और प्रमोट करेंगे हम हेल्थ को उसको। टू प्रिवेंट डिसीज और इलनेस, रिस्टोर हेल्थ, प्रिवेंट करेंगे डिसीज़ को, इलनेस को, और रिस्टोर करेंगे हम हेल्थ को। टू कॉपिंग विद अल्टर्ड फंक्शन, जब भी अगर अल्टर्ड फंक्शन है तो उसको करेंगे कॉपिंग। नर्स शुड यूज टेक्निकल इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये हमें चीज़ें सारी की सारी यूज करनी होंगी। क्या होगा, टेक्निकली यूज करना है, इंटेलेक्चुअल यूज करना है, कम्युनिकेशन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। इवोल्यूशन, ये क्या होता है, गोल अचीव्ड, इट इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ये पांचवा पार्ट होता है नर्सिंग प्रोसेस का। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है कि नर्सिंग केयर के ऑब्जेक्ट को किस लिमिट तक प्राप्त किया गया है। जो भी हम प्रोसेस कर रहे थे इसके अंदर देखा जाएगा कि हम पेशेंट की हेल्थ को कितना रिकवर कर चुके हैं। इवोल्यूशन के रिजल्ट से कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, जब भी इसका रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, उससे कंक्लूजन निकाले जाएंगे। एंड इवोल्यूशन के प्लान को मॉडिफाई करना, और इवोल्यूशन का जो प्लान है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अचीवमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, क्या होगा, अगर कोई भी प्लान हमारा काम नहीं कर रहा है तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे, अगर कोई हमें मेडिसिन चेंज करनी है तो उसको हम चेंज करेंगे इसके अंदर। अबाउट टर्मिनेशन ऑफ केयर प्लान, इसके अंदर क्या होगा, अबाउट टर्मिनेशन होगा, उसको हम हटा देंगे। टू आइडेंटिफाई, टू मॉडिफाई केयर प्लान इफ़ फेस्ड डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग अचीवमेंट, अगर हमारा जो केयर प्लान है उसे फेस करते में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ होल नर्सिंग प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल, जब भी नर्सिंग प्रोसेस होगा तो उस पूरे नर्सिंग प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी टॉपिक पर या किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।